गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। मैं यहाँ पे कर रही हूँ कपड़े प्रेस अपने हस्बैंड जी के, शर्ट वगैरह बाहर मैंने देती हूँ प्रेस करने के लिए, मैं खुद ही कर लेती हूँ अपने बच्चों के और हस्बैंड जी के, जिससे पैसे भी सेफ हो जाते हैं। तो खाली वक्त में समय मिल जाता है तो मैं कर लेती हूँ। तो फिर आ गई हूँ मैं किचन में और मैं यहाँ पे रिक्वच के जो पकौड़े होते हैं भाप के अरुई के पत्ते के, उसे बनाया और चाय चढ़ा दिया है। तो फिर चलिए स्टार्ट। तो इधर हम हैं किचन में और नाश्ता शाम का बना रहे हैं। शाम के 3:30 हो गए हैं और मैं बना रही हूँ ये रिक्वच फ्राई और प्लस चाय। तो हम लोग इसका नाश्ता करेंगे, तो फिर चलिए चलते हैं। आप लोग खुद ही देख लीजिए, बर्थडे मेरा है और सेवा करवा रहे हैं, खा रहे हैं अपने। कैमरों में इस खास लम्हे को ये रिद्धि मेरी बहुत गुड गर्ल है, मेरे लिए केक लेने जा रही है पापा के साथ। सब पहले तैयार हो गई, पापा चलो कब चलोगे, ये रेडी हो के एकदम बैठी है। तो मेरे लिए क्या लेने जा रही हो बताओ? गिफ्ट बर्थडे केक नहीं लाओगी? तो इधर पति देव की खातिरदारी करा रहे हैं, बर्थडे गर्ल है उसके लिए कुछ नहीं सोच रहे हैं, आज उनको करना चाहिए, मेरा डे है, मेरी सेवा में लगना चाहिए, तो अपनी सेवा करा रहे हैं। जवानों ने अपने चीफ को सैल्यूट किया और फिर अभिनंदन की बधाई हुई और जज्बे को सलाम किया। तो ये बेड पे आपको बिछा क्योंकि ऊपर धूप में डाला गया है, क्योंकि थोड़ा सा सीलन के वजह से अजीब सा महक रहा था, तो उसको धूप दिखाना समय समय पर गद्दा बेड के गद्दे को दिखाना चाहिए, तो इस वजह से आज धूप में डाला गया है। धूप बहुत अच्छी खिली और टुक-टुक सो रही है। घर ये लोगों का चल रहा है नाश्ता, चाय नाश्ता हम लोग कर रहे हैं। जीवन कैसे है आप सब? तो आज है मेरा बर्थडे, जी हाँ 3 सितंबर तो मेरा बर्थडे हो गया। आप लोग गेस करके बताइएगा कि मैं कितने साल की हो गई हूँ, कितने साल की लगती हूँ। मैंने पहना है ये टॉप और न्यू लोअर। आज अपने बर्थडे के दिन मैंने कोई नया ड्रेस नहीं लिया है, क्योंकि जैसा मैंने बताया है कि अभी थोड़ा सा बजट हिला हुआ है इस वजह से। तो आज मेरा डे है। तो जब बर्थडे आता है, हर साल आता है बर्थडे, ऐसा नहीं है, तो लोग केक काटते हैं, खुशियां मनाते हैं। जाहिर से बात है यार, बर्थडे है तो केक तो बनता है काटना। तो कुछ लोग कहते हैं कि यार एक जिंदगी का एक साल कम हो रहा है, इसमें खुश होने की क्या बात होती है, हंसी में ही लोग कहते हैं। लेकिन जिंदगी का एक साल कम हो रहा है तो नए मतलब ईयर में घुस भी तो रहे हैं, ये देखे नए मतलब एक साल बढ़ भी तो रहा है, तो इस खुशी में भी मना लेना चाहिए कि चलिए इतने साल अच्छे से कट गए, बाकी आने वाला साल भी अच्छे से कट जाए। तो ऐसे भी बर्थडे केक काट सकते हैं सोच के। तो जब हम लोग छोटे थे, आज सारी चीजें याद आ रही हैं आप लोगों से बात मैं जब कर रही हूँ, तो जब हम लोग छोटे छोटे थे तब हम लोगों की स्थितियां ऐसी नहीं थी अच्छी, क्योंकि पापा तब बाहर ड्यूटी करते थे, क्योंकि हम लोग छोटे जब थे तो जब हम पैदा हुए थे। हाँ, पापा मम्मी लोग बताते हैं कि पहले कैसे बर्थडे मनाते थे जब 5 साल के थे हम, थोड़ा थोड़ा बस मम्मी पापा बता रहे थे, पापा बता रहे थे कि पहले तुम्हारा बर्थडे ऐसे मनता था। तो मैंने सोचा कि आप लोगों से शेयर करती हूँ, क्या आपका भी बर्थडे पहले ऐसे आपने मनाया है? तो जब हम लोग छोटे थे ना, तो पहले 5 साल के थे, तो फिर पापा मतलब ड्यूटी बाहर जाते थे, तो हम लोगों को पापा क्वार्टर जो मिलता है म्यूजियम का उसी में रहते थे। तो पापा पहले ऐसे बर्थडे मनाते थे, सूजी जो होता नहीं था उसका हलवा बना के उसको थाली में जमा के, फिर उसके बाद उस पे चेरी जो होती है, कहते नहीं है मीठी मीठी जो आइसक्रीम के ऊपर चेरी डलती, वो डाल के फिर मोमबत्ती लगा करके हम लोगों को फुटवाते थे और फिर ऐसे हम लोगों का बर्थडे मनाते थे। 5 साल में ही नहीं, एक बार ऐसा फिर सिचुएशन आया था कि हाँ उस वक्त पैसे नहीं थे हम लोग केक खरीद पाए, तब पापा नहीं थे, बाहर कहीं गए हुए थे और पापा ने कम पैसे दिया हुआ था हम लोगों को, जैसे 500 रुपए दिया था और पापा 15 दिन के लिए बाहर गए थे। ये बात तब की है, सन 1999 की है, नहीं 2001 की बात है ये, जी हाँ।
तो वो पापा ने दिया था 500 रुपए, उसमें 15 दिन हम लोगों को चलाना था, उसी बीच हमारा बर्थडे पड़ गया था। तो केक लाना, मतलब समझते थे केक उस वक्त भी महंगा मिलता था, 80 रुपए 60 रुपए ऐसे मिलता था। तो हम लोगों ने सोचा क्या फालतू केक में लगाए, तो वही पापा वाला जो बताए थे कि पहले ऐसे तुम्हारा बर्थडे मनता था, हमारा क्या, मेरी दोनों सिस्टर का भी, प्रिंसी में नहीं ऐसे मना है, मेरा अनु का, क्योंकि एक एक साल का अंतर है हम लोगों में, भैया का भी ऐसे ही मनाया गया था पहले। तो पापा चले गए थे बाहर, तो हम लोगों ने सूजी खरीद के लाया था, और फिर मैंने इसमें नया एक चीज किया था, पार्ले बिस्किट जो मिलता है 5-5 रुपए का, पहले ये 3 रुपए का 2 रुपए का मिलता था बड़ा पैकेट, तो उसको पानी में गला के, गर्म पानी में गला के बढ़िया सा पेस्ट बना लेते थे, और फिर सूजी के हलवे को थाली पे जमा देते थे, उसके ऊपर पार्ले जी का पेस्ट बढ़िया सा लगा करके, फिर उस पे चेरी गिरा के और मोमबत्ती जला करके हम लोगों ने बर्थडे मनाया था। वो पल, वो दिन अलग था, अपने आप में था, आज भी वो पल हर दिन याद आते, जब जब मेरा बर्थडे आता है ना, तो वो सारे पल मैं दोबारा जी लेती हूँ कि हाँ ऐसा था ऐसा था। लेकिन ये बात सच है, शादी के पहले ही तक औरतों का, जो लड़कियां रहती है, बर्थडे अच्छे से मना पाती हैं। देखिए बचपन में तो पेरेंट्स मना देते हैं जैसे तैसे होता है, फिर कॉलेज लाइफ आता है तो फ्रेंड्स कि तुम्हारा बर्थडे है यार, चलो पार्टी दो, ट्रीट दो, मूवी दिखाओ, तो इस तरह मन जाता है बर्थडे। जो यंग स्टार वाला लाइफ रहता है कॉलेज टाइम, उसमें बर्थडे सेलिब्रेशन बहुत मजा आता है। उसके बाद जब शादी हो जाती है तब फिर बर्थडे का जो क्रेज होता है वो धीरे 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 गायब ही होने लगता है। और तब भी शादी के 2-3 साल अच्छा लगता है जब तक बच्चा नहीं होता है, जहां बच्चा आ जाता है तो जो मम्मी का बर्थडे होता है एकदम गुम ही हो जाता है। और फिर क्रेज मम्मी के बर्थडे का तब बढ़ता है जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, तब बच्चे सरप्राइजेस प्लान करते हैं। तो आज मुझे इतना अच्छा लग रहा है, आपको मैं क्या बताऊं, मेरी रिद्धि है मेजी, मेरा बर्थडे, मुझे तो बिल्कुल एक्साइटेड फन नहीं है कुछ नहीं, क्योंकि मैं जानती हूँ कि हाँ उतना अभी हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। तो लेकिन सुबह से रिद्धि के अंदर बहुत एक्साइटमेंट, क्या मम्मा को गिफ्ट देना है, क्या मम्मी के लिए करेंगे, कौन सा केक आएगा, ये सब उनके अंदर चल रहा है। जब मैं सुबह सो के उठी थी और किचन में मैं बाथरूम गई हुई थी, तो ये अपने पापा के साथ उठी, रात ही में ये लोग बात कर रहे थे, सो गए थे, फिर अपने पापा को जगाई कि पापा मम्मी का बर्थडे, और फिर दोनों मिलके आए मुझे विश करने के लिए, लेकिन मैं तो बाथरूम में थी तो रिद्धि ने बोला मम्मा हैप्पी बर्थडे, जब वो देखी कि मैं दिखी नहीं किचन में तो कही मम्मा कहाँ चली गई बर्थडे वाले दिन। तो मैंने कहा यार कौन बाथरूम में कौन, मैंने बोला मैं बाथरूम में, तो रिद्धि बोल रही मम्मा हैप्पी बर्थडे, मैंने कहा बेटा बाथरूम से तो निकल जाने दो, तब बर्थडे विश करो अच्छे से। लेकिन अच्छा लगा, अच्छा लगता है छोटी छोटी खुशियां, प्यार गिफ्ट से क्या होता है, छोटा छोटा प्यार पति का, बच्चों का ऐसे मिलता रहे, और माँ और पत्नी को क्या चाहिए। बाकी गिफ्ट की बात होती है तो मैंने खुद मना किया कि कुछ मत दीजिएगा, क्योंकि हम लोग अपना घर बनवा रहे हैं, अभी थोड़ा सा पैसा वहां लग रहा है, और मेरे हस्बैंड ये सब नहीं देखते हैं बर्थडे और ये वो, उनको जब कुछ देना रहता है ना तो वैसे ही ला के दे देते हैं। जैसे ये कान का उन्होंने दिया था, मैंने अभी नया लिया है, पायल दिया था अभी हो गया 20 दिन पहले, तो जो मैं मांगती हूँ वो ला के दे देते हैं। तो मुझे ऐसा कोई वो नहीं है कि मुझे बर्थडे पे अलग से सरप्राइज चाहिए, तो मेरे पति कुछ नहीं देंगे मुझे गिफ्ट में। और रिद्धि और उनके पापा गए हैं केक लाने, और देखिए क्या लाते हैं। मैंने कहा यार रहन दो, लेकिन केक तो बनता है यार, मैंने हर साल केक काटा है, मैंने कहा हाँ क्यों नहीं, मेरे हस्बैंड ने कहा कि क्यों नहीं केक तो कटेगा ही। और रिद्धि बच्चों का भी क्रेज रहता है, बच्चे ज्यादा एक्साइटेड रहते हैं ना केक काटने में, तो केक मुझे भी काटना अच्छा लगता है, ऐसा नहीं है, भले बड़े हो गए लेकिन दिल के कहीं कोने में बचपना आज भी है। तो देखिए कैसा जाता है आज का डे, तो आप लोग कैसे बर्थडे मनाते थे पहले, आप लोग कैसे क्या करते हैं, तो प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा लिख के। और जो नए लोग आए हमारे चैनल में, प्लीज 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, रेड कलर का दाहिने हाथ में लिखा है, बिना आपके सपोर्ट के मैं आगे नहीं बढ़ सकती हूँ, आपका सहयोग होगा हमारे साथ तभी कुछ होगा। तो करिएगा यार, कम से कम प्लीज करिएगा, क्योंकि एक हम लोग फैमिली हो गए हैं, फैमिली जैसा हो गया रिश्ता, मैं आपसे हर एक छोटी से छोटे मोमेंट, छोटी से छोटी चीजें शेयर करती हूँ, मुझे अच्छा लगता है आप लोगों से इस तरीके से बात करना, आई होप आप लोगों को भी अच्छा लगता होगा। तो फिर चलिए चलते हैं, देखते हैं आज का डे कैसा जाता है, क्या होता है, फिर लेट्स गो। तो पता है मेरी जो ये ननद है ना, महारानी जो बैठी हुई है,
वो कह रही है भाभी दीजिए पैसा, एक्चुअली हम लोग पेपर किचन में भी लगा रहे हैं 3 रुपए वाला। तो कह रही आज आपका बर्थडे ना, मैंने कहा तुम्हें अभी पता चला मेरा बर्थडे, मैंने कहा सुबह से तुमने मुझे विश नहीं किया, टुक टुक भी उठ गई है। तो कह रही है भाभी हाँ मुझे लगा आपका बर्थडे, मैं चॉकलेट लेके आती हूँ खरीद के पीछे से। मैंने कहा अच्छा चॉकलेट जाके ले रहे, कह रही हाँ दीजिए पैसा, पेपर भी लाए और चॉकलेट। मैंने कहा हम ही पैसा दे अपने गिफ्ट के लिए, अपने चॉकलेट के लिए, क्या दिन आ गया यार, अगर खुद को गिफ्ट चाहिए तो पैसा दो। देखिए नहीं ऐसा कुछ नहीं था, गलती से उसके मुंह से निकल गया था, वो मतलब पेपर के लिए पैसे ले रही थी और चॉकलेट भी अपने लग से, छोटी है यार लेकिन फिर दे रही है तो ले भी लेंगे 5-10 रुपए का चॉकलेट, है ना बाबू। तो ये था आज का फनी मूवमेंट हम लोगों का। हाँ डुगू उठ गई है, दूध पीना अब, मेरा बाबू उठ गया है। इधर आज हमारे पति देव डिनर बना रहे हैं, पनीर की सब्जी, पुलाव और पूड़ी हमारे लिए। तो इधर डिनर बन के हो गई है रेडी, बन के हो गया है रेडी सॉरी, और पनीर बहुत ही लजीज लग रहा है। डिनर वगैरह हो गया है हम लोगों का, जी हाँ। तो जैसा कि आपने देखा डिनर में बना था पनीर की सब्जी, पुलाव और पूड़ी, तो ये आज का डिनर था। स्पेशल तो बनना ही था भाई, मेरा बर्थडे था। जैसा कि बाहर नहीं गए थे खाने क्योंकि शाम में बारिश होने लगी थी, काफी अंधेरा हो गया था, पहले प्लानिंग यही था कि बाहर जाएंगे बट ऐसा नहीं हो पाया, तो यही पीछे से पनीर ले लिए थे मटर और फिर बना लिए थे घर ही में, तो ऐसे किया था हम लोगों ने। तो ऐसा गया आज का हमारा दिन, जी हाँ बर्थडे कल का डे। देखिए महंगे गिफ्ट, मुझे जो लगता है महंगे गिफ्ट एक औरत नहीं चाहती है, कोई भी पत्नी हो अपने पति से खूब महंगे डायमंड्स वगैरह या सोने वगैरह नहीं चाहती, उसे तो वही ये चीज आराम से मिल जाएगा, उसके लिए जरूरी नहीं बर्थडे पे ही वो मिले। मुझे जो लगता है एक पत्नी या तो एक औरत ये चाहती है कि उसका पति अगर कुछ भी करता है उसके लिए, चाहे छोटा सा ही कुछ करे लेकिन दिल से करे, प्यार से करे, तो उसी से वो खुश हो जाती है। बस लड़कियां मुझे लगता है या औरत हो, वो बस प्यार चाहती हैं, रिस्पेक्ट चाहती हैं अपने पति के अंदर की वो उनके लिए रिस्पेक्ट करें, प्यार दें, तो वही है। तो मुझे आज बहुत अच्छा लगा, मैं आपसे एक बात जरूर शेयर करना चाहती हूँ। मैं हर साल केक काटती हूँ, हर साल बर्थडे मनाती हूँ, बचपन से ही मनाते आ रही हूँ, बहुत अच्छा लगता है। मैं सोचती हूँ कि एक दिन ही अगर साल भर का जाया जाए वो बर्थडे वाला दे रहे तो उसको एंजॉय करके खुल के जीना चाहिए, क्योंकि कल होना हो इस पे विश्वास मैं करती हूँ।
तो इस तरीके से आज मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरा पिछले साल बर्थडे नहीं मना था, ना मैंने केक कट किया था, ना कुछ अच्छा बनाया था। रीजन इसका था कि मेरे हस्बैंड का आज ही के दिन 3 तारीख के, आज 3 सितंबर है, पिछले साल उनका एक्सीडेंट हो गया था, जिस रीजन से मुझे अचानक से हॉस्पिटल से फोन आया था। तो मुझे भाग के, सुबह में उनका एक्सीडेंट हुआ था तो भाग के मुझे जाना पड़ा, वो बेहोश वगैरह पड़े थे, अंदरूनी सर में चोट लगी थी, लेकिन भगवान की दया से सब ठीक रहा, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं हुई। काफी रोना धोना, जिस वजह से कुछ भी अच्छा नहीं लगा, कुछ भी नहीं प्लान किया। तो एक साल गैप हो गया, इस साल भी मेरा बर्थडे आया तो सुबह से डर लग रहा था, थोड़ा सा मन में उलझन सी हो रही थी, थोड़ा अजीब सा हो रहा था, क्योंकि पिछले साल ऐसी चीजें हो गई थी, हो जाता है ना कभी कभी, अगर कोई स्पेशल डे रहता है और उस पर कोई चीज हो जाती है तो आगे भी डर लगता है कि कहीं कुछ हो ना जाए। तो वैसे ही था, घबराहट थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि आज इतना अच्छा और स्पेशल डे होगा। तो मेरे पति, मेरे बच्चे मेरे साथ हैं, हम लोगों ने मिलके, सॉरी इन लोगों ने मिलके मुझे इतना अच्छा, जी हाँ जो बुआ गई है, इतना अच्छा हम लोगों ने बर्थडे सेलिब्रेट किया जी फैमिली के साथ। तो बस यही है, तो इसी में हम खुश रहते हैं। तो बहुत अच्छा लगा, तो आज का वीडियो यहीं तक। आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको हमारा ये ब्लॉग कैसा लगा, ये वीडियो कैसा लगा। अगर आपका कोई भी बात हो मन की तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, और अगर कुछ कमी लगी हो या आपका कोई भी मतलब ओपिनियन हो मेरे किसी भी टॉपिक पे, तो आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, तो ताकि मैं आपको आंसर दे सकूं उस चीज के बारे में। कुछ चीजें होती है ना खुल के नहीं कही जा सकती, बस वही है, हो सकता है कुछ वर्ड्स में जिस टॉपिक पे बात करती हूँ वो मैं समझा ना पा रही हूँ आपको, होता है ऐसा। तो चलिए फिर इसका आज का वीडियो यहीं खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय एवरीवन, बाय बाय, हाँ गुड नाइट।